फ्रेंड्स, ये पाइनएप्पल का प्लांट है, फ्री में आसानी से तैयार हो जाने वाला पौधा है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास बहुत सारे पॉट वगैरह हों और पौधे की कमी हो तो इस तरह से आप इसका भी कलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह, तो इसमें फल भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय लेता है इसमें फल आने में। तो मैं इसमें सिर्फ पानी देती हूँ, खाद नहीं देती हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें खाद डालूंगी तो ज़रूर फल आएगा। काफ़ी समय लेता है इसलिए मैं इसमें अभी खाद नहीं डाली हूँ। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र थोड़ा लिक्विड करके डाल देती हूँ सारे पौधों में, तो इसमें भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। जब आप पाइनएप्पल लेकर के आते हैं तो उसमें ऊपर ये लगा रहता है, उसकी कुछ पत्तियाँ बचा लें, बाकी पूरा हिस्सा नीचे से हटा करके पानी के बॉटल में या किसी भी पॉट पर डाल दें। उसके बाद उसे कम से कम 2 महीने तक पानी में रहने दें और बीच बीच में उसमें पानी चेंज करते रहें। काफ़ी अच्छी उसमें रूट आ जाती है। जब बहुत अच्छी रूट हो जाती है तब उसे आप मिट्टी में लगा दें। जब अच्छी मिट्टी में आप लगाएंगे और उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे तो कुछ दिनों बाद उसमें फल भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये ऐसा पौधा होता है कि इसमें फल थोड़ा लेट में होता है। अगर आप इसकी मिट्टी और फर्टिलाइज़र अच्छा देंगे तो फल भी अच्छा आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से छोटा सा पौधा मैंने कलेक्शन के तौर पे रखा हुआ है और इसी तरह से तैयार करके अपनी फ्रेंड को भी दिया था, तो ये अभी फल नहीं दे रहा है। बाद में इसमें मैं बड़े पॉट पर लगाऊंगी, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से पहले स्टार्टिंग में रहता है और बाद में उस तरह से बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स।